आई एम वेरी नर्वस, बहुत नर्वस हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से रीलॉन्च मुझे ज़्यादा प्रेशर दे रहा है. जब लकी लॉन्च होने वाला था तब वो टाइम पे टेंशन ही नहीं था, एंड अब भी शायद बड़ी हो गई हूँ इसके लिए, पर मैं बहुत नर्वस हूँ. और एक्साइटमेंट तब होगा तब जब फिल्म अप्रिशिएट हो जाएगा. सो यस, फॉर नाउ वेरी वेरी नर्वस. आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आपका डेब्यू है. मेरा डेब्यू है. आई एम नर्वस ऑल्सो, बट आई एम मोर एक्साइटेड बिकॉज आई नो द फिल्म विल डू वेल. आई नो दैट फिल्म इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी बनी है, बहुत प्यार से बनी है. एंड बेजुबा इश्क जो हमारी फिल्म है 26 जून को रिलीज हो रही है, ये फिल्म है सच्चे प्यार की. दैट सच्चा वाला ट्रू लव, ये वो प्यार है जो दो सोल्स को होता है, दो इंसानों को नहीं, और वो एक दूसरे के लिए जिंदगी भर जीते हैं. ये इतनी प्यारी कहानी है, इसका म्यूजिक इतना अच्छा है कि जब आप सुनेंगे इस म्यूजिक को, आप उसको बार बार सुनेंगे, आप उसको जिंदगी भर सुनेंगे. ये गाना इतने अच्छे हैं इसमें. सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई फील लकी दैट आई एम गेटिंग माई फर्स्ट सोलो लॉन्च विद बेजुबा इश्क. आपने घोषणा की लकी की बात की, तो वो जो सफर था और ये रीलॉन्च आपने इसे अभी कहा कि वो किस तरह से डिफिकल्ट रहा? यू नो व्हाट, पता नहीं, बहुत ही अजीब है जब लकी का अग्रीमेंट साइनिंग या एक लड़की को जब फर्स्ट टाइम अगर वो फिल्म कर रही है, वो भी सलमान खान के साथ कर रही है, वो जो टेंशन होता है, वो नर्वसनेस होता है, जो गूजबम्स अंदर होते हैं, वो थे ही नहीं. मेरी जो फर्स्ट शॉट लकी में जो था, सुनजरा का जो लेटी हुई थी बेहोश, वो मेरा फर्स्ट शॉट था. और आई डोंट नो, मैं बिल्कुल नर्वस नहीं थी. एंड अभी मैं सोचती हूँ कि मैं नर्वस क्यों नहीं थी. तो अभी मुझे ये, मतलब जो अपने आप को रीजन देती हूँ, वो क्योंकि मुझे कभी एक्ट्रेस नहीं बनना था, तो शायद इसके लिए नर्वस नहीं थी, क्या लोग सोचेंगे नहीं सोचेंगे. सो अभी एक्ट्रेस हूँ एंड आई नीड टू, वो जो प्रेशर है कि अभी प्रूव करना है, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ एज एन एक्टर, वो अभी है. सो आई जस्ट फील दैट ये जो फीलिंग्स अभी है वो तब होना चाहिए था, बट इट्स नेवर टू लेट. एंड बहुत ही कम एक्टर्स गायब होके वापस आते हैं. आई हैव बीन एक्चुअली लकी दैट ये मुझे सेकंड अपॉर्चुनिटी मिला. निशांत, आपकी यात्रा ये बेजुबान इश्क ये सोलो में आ रहे हैं, डेब्यू कर रहे हैं आप, और इसके बारे में ये आपके लिए उसके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं. शुक्रिया. और इसमें आपका जो सॉन्ग अभी आया है बहुत बहुत पॉपुलर हो रहा है, और इसके बाद अभी पता चला सेकेंड की आप उसके बारे में इस प्रोजेक्ट के बाद डायरेक्ट अपने कितने प्रोजेक्ट टाइम में लगे. देखिए, विक्रम भट्ट जी की हॉरर स्टोरी के बाद मुझे चार अच्छी फिल्में मिली. पहली फिल्म बेजुबा इश्क रिलीज़ हो रही है 26 जून को. उसके बाद मैंने एक फिल्म करी मिस्टर नरेश मल्होत्रा के साथ, इट्स कॉल्ड इश्क ने क्रेजी किया रे, ये सितंबर में रिलीज़ है. फिर एक फिल्म थी लव ट्रेनिंग, जिसमें मैं एक लव गुरु प्ले करता हूँ शक्ति कपूर और राजपाल यादव को. दैट्स अ वेरी वेरी नाइस कॉमेडी फिल्म. एंड देर इज़ वन मोर फिल्म कॉल्ड सिंगल चल रहा हूँ, डायरेक्टेड बाय साई कबीर, द डायरेक्टर ऑफ रिवॉल्वर रानी. सो लकीली मुझे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है. मैंने जो टीवी के बाद ब्रेक लिया 4 साल का, जिसमें मैंने मेहनत करी, जिसमें मैंने अपनी कोशिश को नाकाम नहीं होने दिया, अपनी उम्मीदों को कहीं जाने नहीं दिया, आई केप्ट अप द होप्स. और मैंने बिलीव किया कि एक ना एक दिन जो मैं चाहता हूँ, जो मैं अपनी जगह बनाना चाहता हूँ इंडस्ट्री के अंदर, वो मुझे जगह मिल जाएगी. एंड आई थिंक अब उस ड्रीम की जो शुरुआत थी, वो अब उसको एक गोल मिल रहा है, अब वो फाइनली अपनी एक डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है. सो लकीली आई थिंक बेजुबा इश्क से जो शुरुआत हो रही है वो हमेशा ऊपर जाएगी, वो हमेशा एक अच्छी फिल्मों के साथ मुझे ऑडियंस को रीच करने का मौका मिलेगा. निशांत, आप इस फिल्म में रही बात दो हीरोइन दिख रही है, तो क्या इसमें बेजुबा इश्क आप दोनों हीरोइन के साथ आप इसमें प्ले कर रहे हैं? देखिए, बेजुबा इश्क का जो कॉन्सेप्ट है, इश्क एक ऐसी चीज है जो इतनी ज्यादा गहरी होती है कि उसको आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते. बेजुबा इश्क मेरा फिल्म में जो है वो मैं शब्दों में उसको नहीं समझा सकता हूँ किसी को. और जो कैरेक्टर है मेरा फिल्म के अंदर, वो जब प्यार करता है तो पूरे दिल से करता है. अगर दोस्त से करता है तो जान से दोस्ती करता है, प्यार करता है तो जान से प्यार करता है पूरा. तो फिल्म में जो दोनों हीरोइंस हैं हमारी, मुग्धा एंड स्नेहा, उन दोनों के
तो अलग अलग तरीके का प्यार है, एक 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 के साथ मेरा दिल से जो रिश्ता है दोस्ती का मैं वो निभा रहा हूँ, और एक से जिससे मैं इश्क करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, मैं वो निभाना चाहता हूँ। फिल्म का ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट है कि कहीं ना कहीं जाके लाइफ में हमको डिफिकल्ट चॉइसेस लेनी पड़ती हैं, जहां हमें सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। तो कौन किसका इश्क ज्यादा बड़ा था, किसने सैक्रिफाइस किया और किसका इश्क साकार हुआ किसका नहीं हुआ, दैट इज बेजुबान इश्क। आप ये बात करें तो लकी की बात आपका ये फिर आ रही है, तो फिर इतनी कैद के बाद में फिर एक्टिंग करने का क्या प्रिपरेशन रहा, फिर कैसे? एक्चुअली मैं बॉलीवुड से गायब थी, पर मैं एक्टिंग से गायब नहीं थी। मैंने तेलुगु में 7-8 फिल्म्स किया है, और लकी के बाद मैं साउथ में गई, बिकॉज वहाँ पे जो एक एक्टर को ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है मुझे वहाँ पे मिली। सो मैं एक्टिंग, जब सबको पता है लकी ऐसे ही हो गया, ना प्लान था ना ट्रेनिंग थी, एक्टिंग स्कूल नहीं गई। सो जब लकी रिलीज हुआ तभी भी एक्टिंग नहीं आती थी मेरे हिसाब से। जो मैंने लकी में किया डायरेक्टर ने करवाया, मुझे कुछ नॉलेज नहीं था एक्टिंग के बारे में। और साउथ में जाने के बाद मुझे वो एजुकेशन अबाउट एक्टिंग एंड बीइंग एन एक्टर मुझे वहां से मिली। सो यस, मैं गायब तो थी बॉलीवुड से, और वो एक प्लान था, अगर क्योंकि मुझे फिल्म्स नहीं करनी थी, मुझे अपना पढ़ाई वढ़ाई सब कंप्लीट करना था, तो मीडिया के सामने आके और फिल्म नहीं करना, इट डिडंट मेक सेंस। सो आई हैड टू बी अवे फ्रॉम द मीडिया, हैड टू बी अवे फ्रॉम बॉलीवुड, और अच्छा से ट्रेनिंग हुआ है साउथ में, और अभी मुझे लग रहा है कि मैं बॉलीवुड संभाल सकूंगी, बिकॉज इट इज़ अ डिफिकल्ट इंडस्ट्री। और इसीलिए मैंने बेजुबान इश्क साइन किया, बिकॉज इट वॉज दैट परफेक्ट टाइम टू रीलॉन्च माई सेल्फ। निशान, आपको मुझे एक सवाल है, न्यू कमर जो आते हैं बॉलीवुड में, हर एक का अपना एक आइडल होता है, आप तो सलमान के साथ काम कर चुकी, लेकिन इतने गैप के बाद आप फिर से एक बार आए, दोनों से जानना चाहता हूँ कि किसे अपना आइडल मानते हैं और किसके साथ एक बार फिर से काम करना चाहिए आप? मुझे सबके साथ काम करना है। आई थिंक एक या दो या तीन या दस लोग नहीं है, आई वॉन्ट टू वर्क विद एवरीबडी इन द इंडस्ट्री। आइडियल आई हैव, सलमान इज माई गॉड फादर, जो भी प्रोफेशनल एडवाइस अगर मुझे चाहिए और मुझे मिल जाता है। एज अ हीरोइन आई लाइक द न्यू गर्ल्स दैट वी हैव टुडे, आई लाइक कैटरीना, आई लाइक दीपिका। मेरे हिसाब से बहुत ही ये इंडस्ट्री बहुत ही डिफिकल्ट है, ये सिर्फ एक्टिंग के बारे में नहीं है, इट्स ऑल अबाउट द प्री एंड द पोस्ट वर्क ऑफ बिफोर यू, व्हाट यू डू बिफोर अ फिल्म, व्हाट यू डू आफ्टर अ फिल्म। एंड जब एक एक्ट्रेस सक्सेसफुल होती है, मैं उनको बहुत मानती हूँ, बिकॉज एक ये डिफिकल्ट चीज है, एंड आई रिस्पेक्ट समबडी हु इज स्मार्ट इनफ टू सक्सीड इन द इंडस्ट्री। सो कैटरीना एंड दीपिका आर माई टू ideas that I would like to look at and learn from. ये कैसे करती है, क्या करती है, क्या नहीं करती है, so I want to try and follow their direction. My idol right now, मेरा idol जो मैं जिनको बहुत मानता हूँ, that man is called अक्षय कुमार। Why? Because वो मेरी ही तरह एक बहुत ही humble background से आए, उन्होंने अपनी जगह बनाई और धीरे धीरे की सीढ़ियाँ चढ़ी। उनकी एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो मेरी लाइफ का मोटो है, वो ये है कि काम करते रहना चाहिए, सक्सेस आपकी रोड पे जर्नी में कहीं ना कहीं पड़ी हुई है, वो जरूरी है, एंड यू नीड टू कीप वर्किंग हार्ड। फ्लॉप हो हिट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि उनका बैक टू बैक उनकी 14 फिल्में फ्लॉप हुई थी, पर आज भी वो है ना इंडस्ट्री में, वो है एक बहुत बड़े सुपरस्टार हमारी इंडस्ट्री में। तो ही इज माई आइडल, मैं आई लुक अप टू हिम फॉर बीइंग सो पॉजिटिव एंड सो ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ एंड सो हार्ड वर्किंग एज अ पर्सन। हीरोइंस में आई हैव रिसेंटली फॉलन इन लव विद कंगना रनौत आफ्टर वॉचिंग तनुवर्स मनु रिटर्न्स, एंड आई एम डाइंग टू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू एक्ट विथ हर ऑन स्क्रीन, बिकॉज आई थिंक राइट नाउ इन आवर इंटायर इंडस्ट्री शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस, एंड आई एम श्योर दैट If you can match up to her level of acting, then you're a brilliant actor today. Nishant, so she's my निशांत, अभी आपने बोला कि आपके आइडल पर्सन अक्षय कुमार हैं जी, तो आज ही अक्षय जी का मतलब ब्रदर्स एक एक्शन मूवी ट्रेलर लॉन्च हुआ जी, तो आपको अभी ये फ्लेवर छोड़ के कब कभी एक्शन मूवी देखने को मिले? देखिए राइट नाउ अभी हर इंसान को अपनी एक जगह एक तरह के कैटेगरी में एक जगह बना लेनी चाहिए। तो मेरा फोकस इस वक्त लव स्टोरीज एंड आई वॉन्ट टू बी एज नोन एज अ चॉकलेट बॉय, जैसे ये मुझे कहती रहती है, आई वॉन्ट टू बी नोन एज अ चॉकलेट बॉय एज अ रोमांटिक हीरो। Once I make hero,
then I would like to explore and venture out as an action hero or something else. But right now my focus is to be every woman's dream. That's my focus, that's my dream. You know what? वो कम हो गया अभी. It's अभी हर कोई मिलता है वो नहीं कहता. I think वो fade out हो रहा है. And पर वो चीज हमेशा रहेगी. I'll tell you something. मैंने ये बात इनको अभी तक बताई नहीं है. मैं लास्ट मंथ तिरुपति बालाजी गया था मंदिर प्रे करने की हमारी फिल्म की रिलीज हो रही है तो अच्छा मंदिर. ऑन द वे देयर वाज अ पॉइंट जहाँ पे हमारी मेरी जो कार थी उसको टोल का कुछ पैसे वैसे पे करने थे. तो आई वेंट इनसाइड विद द ड्राइवर टू डू ऑल द फॉर्मेलिटीज. उन्होंने मुझे देखा कहते हमने आपको कहीं देखा है, ये है वो है, आप कोई फिल्म कर रहे हैं. मैंने कहा मैं फिल्म कर रहा हूँ बेजुबा इश्क. कहते दिखाई दिखाई, आई जस्ट शोड देम अ पिक्चर. ये स्नेहालाल? मैंने कहा हाँ स्नेहालाल. अरे वो ऐश्वर्या ऐश्वर्या? मैंने कहा हाँ. तो यू आर स्टिल द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल down south known and you are still remembered and everybody loves you down there. इनको पसंद नहीं होता है जब लोग ऐश्वर्या ऐश्वर्या करते रहते हैं. बट खुशी हुई ना जान के कि मतलब it's actually very sweet एक टोल पे एक पुलिस वाले ने इसको मतलब they have such remembering, they remember Sneha Olal, they know Sneha Olal, you know they just know her by face. And so yeah, even down south people still have that love for you. अभी आई वापस 5-6 films हो जाने दो. I think वो खुद ही वो fade off हो जाएगा. सो अभी वो टैग है, टैग रहने दो मुझे. मतलब एज लॉन्ग एज करियर में नेगेटिव नहीं होता है इट्स ओके. आई मीन मुझे लगता है सबको यूज टू हो गया अभी वो. आई डोंट थिंक एक टॉपिक है वो. बेजुबान इश्क मेरे हिसाब से एक बहुत ही पेनफुल लव स्टोरी है. अगर आपका ऑफकोर्स आप सबका कहाँ पे तो दिल टूटा होगा, कोई किसी ना लड़की या लड़का ने तोड़ा होगा. तो आप बेजुबान इश्क वो लव स्टोरी के लिए आप ये फिल्म देखिए. देखिए अगर आपने लाइफ में कभी इश्क किया है, कभी मोहब्बत करी है तो ये फिल्म आप देखिए. आपको आपको अपनी मोहब्बत याद आएगी, यू विल रिमेम्बर इट. और अगर आपको प्यार नहीं हुआ, इश्क नहीं हुआ कभी, तो ये फिल्म देख के सीखिए कि इश्क क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है. और आप जिससे भी करना चाहते हैं उसको पूरे दिल से मोहब्बत और इश्क दीजिएगा इस फिल्म देखने के बाद. थैंक यू सो मच.